तो आज मैंने और आदित ने कर दिया है अपना रास्ता चेंज आने का। ये रहा आदित और मैं, थोड़ा सा सामान लेना है इसलिए जो है दूसरे रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। ये कैसे चल रहे हो आप घोड़े की तरह? आ जा जल्दी, आज मौसम गर्म गर्म है इसलिए मैंने भी स्वेटर नहीं पहनी है, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर शाम के टाइम मौसम ठंडा हो जाता है इसलिए। आ जल्दी आ। तो जी अभी ऑफिस से पहुंच चुके हैं घर, मैं आदित और उर्वी हम तीनों। और अभी तो मैंने चेंज भी नहीं किया, जैसे ही आई हूँ वैसे ही, बस सिर्फ बाल खोले और मैंने अपने कान में ना ये बड़े बड़े वाले डाल दिए, इसमें से भी मैंने गोल्ड उतार दिया, यहाँ से भी गोल्ड उतार दिया और ऊपर वाले में गोल्ड डाल दिया। तो इसमें भी डालूँगी गोल्ड, बट कभी कभी मन करता है ना कुछ आर्टिफिशियल पहनने का। हर वक्त तो मैं गोल्ड ही डाल के रखती हूँ, बट कभी कभी मन करता है कि कुछ आर्टिफिशियल पहना जाए इसलिए। तो क्या बोलते हैं ना, ये देखो जब इनको फ़ोन नहीं मिलता तो ऐसे खेलते हैं अच्छे से, और जब फ़ोन मिले तो फिर इनके अपने ही इश्यूज ख़त्म भी होते हैं। लेकिन अभी खेल रहे हैं मस्त मज़े में। बाहर का मौसम भी दिखा देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो धूप थी और अभी मौसम हो चुका है एकदम फिर से ख़राब। मस्त खेल रहे हैं ऐसे ही, ठीक खेलते हैं, फ़ोन और टीवी के चक्कर में एक दूसरे से खेलते भी नहीं, और चैनल के चक्कर में ये नहीं देखना वो नहीं देखना, बस उसी पे झगड़ा करते रहते हैं। तो बताना मुझे कि ये वाले कैसे लगे। मुझे ना पर्ल्स का बहुत शौक है, बट मैं सोचूं कि मैं गोल्ड में जो पर्ल आता है ना वैसा करके बनवाऊँ इसके लिए, पर अभी तो घर के खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उर्वी के बर्थडे, फिर जागरण और ज़मीन वगैरह सब कुछ, कि अभी तो मैं गोल्ड के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेना तो दूर की बात है। चुका है मौसम खराब, बादल ही बादल। क्या हुआ बेटा ये ड्रेस? ओए 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 बस बस बस, आदित ये ड्रेस चेंज कर ले बेटा, पहले ये आपका यूनिफॉर्म का लोअर है ना, इसको चेंज कर लो पहले, उसके बाद खेलो। तो ये रही मैं आज, ये वाला मैं जो अपना प्लाजो सूट है ये पहन के गई थी, इसका जो गला है ना ये बैन पट्टी वाला जो होता है वैसा है, बट मैंने दुपट्टे को ऐसे स्कार्फ की तरह ले लिया है। और सूट ये ऐसे ऐसे जो कलर होते हैं ना उनसे पूरी वाइब आती है गर्मी वाली, गर्मियाँ है नहीं बस मैं ही वाइब ले रही हूँ, ऐसे गर्मियाँ हुई नहीं है यहाँ पे, पर चलो सोचने में और फील लेने में क्या जाता है, बल्कि अंदर से मैंने बॉडी वार्मर पहना हुआ है। अदरवाइज अगर सिंगल ये सूट पहन के ऐसे जाओ कॉटन का तो ठंड से बुरे हाल हो जाएंगे, अभी मतलब है यहाँ पे ठंड। आपको क्या चाहिए? अच्छा ये देख मैं खेल खेल के कुशन भी फाड़ दिया तुम लोगों ने। अच्छा अच्छा देर लगा रही हूँ अभी, आदित कपड़े चेंज करके और भी के लिए टीवी लगाना ठीक है।
पापा जी क्या मांग रहे है? पॉकेट चेक करने पे उतर आए हो अब है? रोज करती है ना ये। नहीं चीची खत्म हो गया चीची कुछ भी नहीं है। पहले बताओ आपने होमवर्क किया? तो जी आज नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं जस्ट अभी ऑफिस से वापस पहुंची। आज ना ऐसे अजीब सा मन हो रहा है, सुस्त सा मन हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस अभी सो जाऊं और थक चुकी हूँ बहुत बुरे हाल से। कल है फ्राइडे, गुड फ्राइडे, तो बच्चों को तो छुट्टी है दोनों को, पर मेरे को छुट्टी नहीं है और नीरज को भी छुट्टी नहीं है। पर तन्नू को छुट्टी है तो एक वो है कि चलो तन्नू तो हो गए घर पे। अभी मैंने अपने जो बाल है वीडियो अभी ब्लॉग के लिए फ़ोन उठाया था, उतने में मेरे को आ गई थी ऑफिस से कॉल, तो वहाँ पे बात करी। और बस अभी कपड़े चेंज करती हूँ फटाफट से। ये देखो वार्मर, बाहर से कॉटन का सूट, अंदर से बॉडी वार्मर, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अभी तक भी उतनी ज़्यादा मौसम गर्म हुआ नहीं है कि एकदम से कॉटन के पतले सूट पर आ जाए। और ये यहाँ पे एक यहाँ पे इधर वाले में तो बहुत दर्द है, इधर वाले में थोड़ी कम है, अब इधर वाले में बहुत है, पहले यहाँ हुआ था। तो फटाफट से चेंज वेंज कर लेते, थोड़ी देर रेस्ट कर दो, फिर लग जाएंगे खाना बनाने पे। तो जी अभी ये ब्लॉग मैं एडिट कर रही थी तो फिर से एज यूजल तब मुझे याद आया कि इस ब्लॉग को मैंने अभी तक भी जो है एंड नहीं किया है। तो हमेशा की तरह हमेशा मैं भूल जाती हूँ, बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। और ऐसा भी नहीं था जब ये ब्लॉग मैंने शूट कर रही थी, उसके बाद ना नेक्स्ट उसी दिन रात में फ्राइडे को इसकी तनु की जो मासी है वो आए थे, तो नहीं थर्सडे को शाम को वो आए थे। फिर फ्राइडे को ये लोग गए थे त्रियुंड और सैटरडे को फिर वो मॉर्निंग में वापस गए अपने घर। तो ऐसे ऐसा था, तो फिर भी मुझे मतलब ऐसे ब्लॉग वगैरह करने का टाइम नहीं मिला और टाइम था भी नहीं। और अभी यहाँ पे है उर्वी मेरे मुंह के पास बैठ के फ़ोन देखती है। तो चलिए फिलहाल ये जो वीडियो है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश हो, फिर वीडियोज़ देखते रहिए और अपने प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।